दोस्तों, अक्सर लोगों का एक डाउट रहता है कि भाई जो हमारी जो बाइक की जो चेन है, हम उसको किससे साफ करें। अच्छा ठीक है, तो जब साफ करने की बारी आती है ना, तो अक्सर लोगों के मन में एक चीज जरूर दिमाग में आती है, वो है आपका पेट्रोल। तो ये सोचते हैं कि भाई पेट्रोल से हम चेन को अच्छे से क्लीन कर दें। यस, सोच तो वो बहुत सही रहे कि हाँ पेट्रोल से आपकी जो चेन है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी साहब। लेकिन यहाँ दो क्लॉज है और दो ही चीजों पर बात आके अटक जाती है। अगर आपकी चेन ओरिंग और एक्स रिंग है ना, तब आप इस काम को मत करना। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो पेट्रोल होता है ना, जनरली मैकेनिक जो क्या होता है, उसको इंजन को क्लीन करने में, जब भी इंजन को वो बांधते हैं और एक तरीके से नया इंजन रिबिल्ड करते हैं ना, तो वो उस पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उसको क्लीनिंग में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, कर लिया, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही। लेकिन अगर आप पेट्रोल का इस्तेमाल चेन क्लीनिंग में कर रहे हो ना दोस्तों, तो तीन तरीके की चेन मैं आपको बताता हूँ। मैं इनके अंदर डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो तीन तरीके की चेन बताता हूँ। एक आती है नॉन ओरिंग, जिसमें कोई ओरिंग नहीं होती, रबड़ का पार्ट नहीं होता। एक आती है आपकी ओरिंग, जिसके अंदर एक ओरिंग लगी होती है। एक आती है एक्स रिंग, जिसके अंदर भी ओरिंग होती है लेकिन एक्स शेप में होती है। तो लास्ट की दो को तो हटाओ, ओरिंग और एक्स रिंग, इन दोनों को हटाओ। अब मैं बात करता हूँ नॉन ओरिंग। ये एक ऐसी चेन होती है भाई लोग, जिसके अंदर कोई ओरिंग नहीं होती, सिंपल और सिंपल मेटल होता है। अब आप एक बात सोचो, एक जो चेन है ना, वो प्रॉपर मेटल से बनाई गई है, जिसके अंदर कोई रबड़ वाला पार्ट है नहीं। और भाई लोग, ये आप सब जानते हैं कि अगर पेट्रोल रबड़ पर अगर पड़ जाता है ना, ये तो आपके मानने के ऊपर है। अगर नहीं मानोगे तो भी ऐसी कोई आफत नहीं आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, जो पेट्रोल होता है ना, अगर आप उसको रबड़ के ऊपर डाल दोगे, और अगर आप पहली बार डालोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन जब आप इस काम को फ्रीक्वेंट करने लगोगे ना, तो उस रबड़ की जो रबड़ वाली जो क्वालिटी होती है, रबरिश क्वालिटी जो होती है ना, वो खत्म होने लगेगी दोस्तों। वो बहुत जल्दी ब्रेक होने लगेगी, अकड़ जाएगी, और अकड़ने के बाद वो टूट जाएगी। तो आपने तो उसकी क्वालिटी खरीदी, खत्म। तो जिसके अंदर नॉन ओरिंग आती है ना दोस्तों, उसके ऊपर अगर ग्रीस लगी हुई है, कीचड़ लगी हुई है, और अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हैं, तो आप उसको पेट्रोल से क्लीन कर सकते हो। उसमें कोई भी किसी भी तरीके की आफत नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर ओरिंग आती ही नहीं है, कोई रबड़ वाला पार्ट है नहीं, पूरा का पूरा मेटल है। अब यार, मेटल पर अगर तुम पेट्रोल डाल दोगे तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। इसमें भी अगर कोई आपसे ये बोलता है ना कि भाई नॉन ओरिंग चेन है, इसको पेट्रोल से क्लीन नहीं कर सकते, नुकसान हो जाएगा, भाई नुकसान होगा, कोई बम थोड़ी पड़ जाएगा यार। ये सब अनाप शनाप बातें, इतनी भी मिथ खोपड़ी में नहीं रखी जाती। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अगर आपकी बाइक में ओरिंग नहीं है किसी भी तरीके की, और सिंपल सादा सी है, तो भाई आप उसको पेट्रोल से क्लीन कर दो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी बाइक में ओरिंग है या एक्स रिंग है, दोनों होते ही रबड़ वाले पार्ट है, लेकिन इस पर अलग चर्चा करेंगे, तो भाई आप इसमें पेट्रोल से क्लीन मत करना। क्योंकि पेट्रोल अगर इनके रबड़ वाले पार्ट के ऊपर अगर पड़ गया, तो भाई लोग, वो स्टार्टिंग में तो ऐसी कोई आफत नहीं खड़ी करेगा, कोई खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इस काम को फ्रीक्वेंट करते रहोगे ना, रिकरिंग बेसिस पर आप करते रहोगे, तो इनकी जो रबड़ की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा शायद अंदर से वो रबड़ टूट भी जाए। पॉसिबली वो टूट भी सकती है, वो खराब भी हो सकती है। तो इस वजह से ना, पेट्रोल से आप क्लीन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप तारपीन के तेल से और डीजल से कर सकते हो, यस आप कर सकते हो, क्योंकि तारपीन का तेल जब आप अपने हाथ पे डालोगे ना, तो दोस्तों तारपीन के तेल में ना चिकनाहट होती है, लुब्रिकेशन होती है, जिसकी वजह से रबड़ को खराब नहीं करेगा। वहीं अगर आप डीजल को भी अपने हाथ पे डालोगे ना, तो भी वो खराब नहीं करेगा, वो भी उसके अंदर चिकनाहट वाली फॉर्म होती है। लेकिन अगर आप पेट्रोल को अपने हाथ पर डाल के देख लेना दोस्तों, वो आपके हाथ को सफेद कर देगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इतना ज्यादा काटता हुआ चलता है ना चीजों को, मतलब सुखा देता है, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर की जो सरफेस होती है ना, वो सरफेस को ही खराब कर देता है। पेट्रोल की ये क्वालिटी होती है, इसी रीजन की वजह से, काटने वाली रीजन की वजह से ना दोस्तों, लोग वह इसको चेंबर में इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग के रूप में, ठीक है, जब वो इंजन को बांधते हैं। तो मेरे भाई लोग, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आप पेट्रोल से ओरिंग वाले पार्टों को आप क्लीन मत करना। करने को आप कर लो, कौन मना कर रहा है, लेकिन रिकमेंडेशन यही दी जाती है, आप ओरिंग वाले पार्टों को क्लीन मत करना, वो आपकी ओरिंग को खराब करेगा। और अगर ओरिंग खराब होने लग गई, तो जो ओरिंग की जो बनाने का जो मोटिव है ना दोस्तों, ओरिंग का बनाने का मोटिव होता क्या है, जिससे कि जब ओरिंग वाले जो भी चेन होती है ना, जब वो चले, वो अननेसेसरी नॉइस क्रिएट ना करे, उनकी लॉन्जेविटी बनी रहती है, वो लंबे समय के लिए चलती है। यही एक ऐसा एक कारण है दोस्तों, क्योंकि उनके अंदर ल्यूब टिका रहता है। सबसे बड़ी बात है, ओरिंग वाले पार्टों के अंदर ल्यूब टिका रहता है, जिसकी वजह से उसमें लुब्रिकेशन बनी रहती है। यही कारण है कि नॉन ओरिंग वाले में लुब्रिकेशन नहीं बनी रहती, ठीक है। तो अगर आप उसमें अगर पेट्रोल का इस्तेमाल करोगे ना, तो जब आप ओरिंग को ही खराब कर दोगे, तो आप उसकी लॉन्जेविटी को खराब करोगे, वो जल्दी बर्बाद हो जाएगा, और चेन नॉइस आने लगेगी। सबसे बड़ी बात है, ओवर द टाइम चेन नॉइस भी आ जाएगी। तो शायद आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि क्यों हम पेट्रोल का इस्तेमाल चेन के इन दोनों टाइपों पर नहीं कर सकते, नॉन ओरिंग वाले केस में कर सकते हैं। मुझसे कमेंट पूछा था किसी ने, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक सेपरेट एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है। तो आई विश जो मेरी कही गई बात है, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत भाई समझ में आई होंगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जिस किसी ने यहां तक वीडियो देख रखी ना भाई, सब्सक्राइब करें, बिना तो भाई जाना मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।